Hey all, welcome back to my channel, My Snack Box. Today I'm back with a new recipe. We're going to be making the yummiest baby corn manchurian. If you're new on this channel, then do check out the videos and like, share and subscribe. Okay, so baby corn manchurian banane ke liye maine baby corns ko kuch is tarah cut kar liya hai taki jab ye fried ho to ye bahut hi crispy ho jaye. और अभी हम इसमें डालेंगे 2 spoons ऑफ कॉर्नफ्लोर एंड 1 spoon ऑफ मैदा. अभी हम इसे बिना पानी के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक थिन लेयर ऑफ कोटिंग बन जाए बेबी कॉर्न्स पर. और बिफोर फ्राइंग हम इसमें डालेंगे मिर्ची स्वादानुसार. ये देखिए कुछ इस तरह हो जाना चाहिए आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि थिन लेयर ऑफ कोटिंग बन जाता है जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अभी हम इसे कुछ 10 मिनट्स तक रेस्ट करेंगे एंड बिफोर फ्राइंग हम इसमें मिलाएंगे मिर्ची और हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसे फ्राई कर लेंगे ऑयल में जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए. फ्राई करने के बाद बेबी कॉर्न्स कुछ ऐसे दिखेंगे. और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, उसमें डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक और इसमें जाएंगे प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च. शिमला मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं. और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 cup वाटर. और इसे अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर एंड वाटर का जो मिक्सचर है. मैंने 1 spoon कॉर्नफ्लोर लिया था ऑलमोस्ट 1 cup पानी में, तो हम उसे भी डाल देंगे. और जैसे ही आप वो मिक्सचर डालते हैं तो कंटिन्यूसली स्टर कीजिएगा. और इसमें जाएंगे हमारे सॉसेस. मैंने यहाँ पे डाला है टमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस एंड थोड़ा सा सोया सॉस. जब भी आप सॉसेस इसमें डाल देते हैं तो मेक श्योर कि आप कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए. अभी हम इस ग्रेवी को थोड़ा सा पकने देंगे और थोड़ा सा थिकन होने देंगे. आप इस स्टेज पे सॉल्ट भी ऐड कर दीजिएगा और इसे अच्छे से हम थिकन होने देंगे. और जब ये कुछ ऐसा टेक्सचर का हो जाए तो हम अपने बेबी कॉर्न्स जो है वो डाल देंगे. बेबी कॉर्न्स डालने के बाद इसे 2 मिनट तक पकाइए और आपका डिलीशियस मंचूरिया तैयार हो जाएगा. और ये लीजिए, हमारा डिलीशियस बेबी कॉर्न मंचूरियन तैयार है. आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. ये एक ग्रेट स्टार्टर है और ये बहुत ही अच्छा पार्टी स्नैक भी है. सबको बहुत अच्छा लगेगा. एंड इफ़ यू लाइक माई रेसिपी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.